देश भर में मुसलमानों के नाम पर सियासत खेली गई है। हमेशा मुसलमानों को झूठे वायदे देकर, तरह तरह के सपने दिखाकर मुसलमानों के वोट बैंक पर राज्य करने वाली सरकार ने तो मुसलमानों की अवस्था विशेष पिछड़े वर्ग से भी गिरा दी है। अब मुसलमान भाई आखिर भरोसा करे तो किस पर? देश के अलग अलग क्षेत्र में कहीं कांग्रेस की सरकार है तो कहीं बीजेपी की सरकार तो हर 5 साल में बदल जाती है, मगर झूठे वायदे, बड़े बड़े भाषण और मुसलमान समाज की परिस्थिति आज भी वहीं की वहीं है। महाराष्ट्र के जिला धुलिया शिरपुर में सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को 5% आरक्षण के हेतु महाराष्ट्र राज्य के कई शहरों से मुस्लिम धर्म के लोगों ने और जमायते उलमाए हिंद ने मुसलमानों के हित में 5% आरक्षण के लिए आवाज उठाई है। इसको लेकर महाराष्ट्र के कई अलग अलग शहरों में 27 अक्टूबर को मौन रैली निकाली जाएगी और धरना आंदोलन किया जाएगा। मुसलमानों की अवस्था विशेष पिछड़े वर्ग से भी गिरी हुई है। मुस्लिम समाज की विभिन्न पिछड़ी जातियों को शिक्षा और नौकरियों में 5% आरक्षण की मांग करते हुए धरना आंदोलन देकर मुस्लिम समाज के विभिन्न पिछड़ी जातियों को शिक्षा और नौकरियों में 5% आरक्षण की मांग करते हुए धरना आंदोलन देकर सरकार को दिखाया जाएगा कि मुस्लिम समाज भी अपने हक के लिए लड़ सकता है। आरक्षण मुसलमानों का हक है, ऐसे मुस्लिम समाज के लोगों ने धरने आंदोलन में नारे लगाए और कहा कि मुस्लिम समाज कानून के दायरे में रहकर शांति से आरक्षण की लड़ाई लड़ती रहेगी। किसी कानून को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी एक ही दरखास्त रहेगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ ये मुसलमानों का पहले से चला या आया हुआ ये हक है, इसे बाकी रखा जाए, लॉ कमीशन खत्म किया जाए। कुरान हदीस के साथ अगर चलते हैं, अब तक मुसलमान कभी भी आवाज बुलंद करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, लेकिन जब जब भी कुरान हदीस के खिलाफ बात उठेंगी इंशाल्लाह मुसलमान खड़ा रहेगा, आंख में आंख मिलाएगा और वक्त पड़ने पर जान भी देगा इंशाल्लाह। महाराष्ट्र से अजार टीवी न्यूज के लिए इस्माइल शेख की रिपोर्ट।